गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लेसन नंबर फर्स्ट के बारे में और उसमें लैंगिक जनन हो रहा है, लैंगिक जनन के टाइप तक हो गए थे। उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि आवर्त बीजी पादपों में जनन के इंट्रोडक्शन में बेसिक चीजें मैंने बता दी थी कि आवर्त बीजी जो प्लांट्स होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं, बीजाणुद्भिद होते हैं, जिनका जो प्लांट शरीर होता है वो 2N होता है और जड़ तना पत्ती को धारण किए हुए होता है। उसके अलावा फिर मैंने उसी के अंदर इंट्रोडक्शन में लास्ट पॉइंट लिखवाया था आवर्तबीजी पादपों में जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, तो उन्हीं जनन की बात करेंगे अपन। दोनों टाइप कौन कौन से होता है सामने देख लेना एक बार, कि इंट्रोडक्शन में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बताया था, दोनों में डिफरेंस देख लेना कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे यहीं से। तो अलैंगिक जनन में सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिख रखा है वो पॉइंट लिख रखा है कि अलैंगिक जनन में एक जीव संतति का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ पर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, एक अकेला जीव होता है और उस जीव के द्वारा संतति का निर्माण हो जाता है। किसके अंदर? अलैंगिक जनन के अंदर। यही चीज बात करें अपन लैंगिक जनन में क्या होता है, तो लैंगिक जनन में टू जीव या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है और ध्यान रखना कि दोनों जो जीव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, अर्थात यहाँ पर दो जीव संतति निर्माण में भाग लेते हैं। तो पहला पॉइंट कवर हो जाना चाहिए दोनों में कि अलैंगिक जनन में एक जीव संतति का निर्माण करता है जबकि लैंगिक जनन में दो जीव मिलकर संतति का निर्माण करता है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में गैमेटों का निर्माण होता है। और गैमेट कौन कौन से बनते हैं? एक तो नर युग्मक बनता है नर के द्वारा और दूसरा मादा के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है और दोनों गैमेट्स ऑलवेज हैप्लोइड होता है। ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको कि युग्मक चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो हमेशा कैसे होते हैं? एगोनिक होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। तो यहाँ लैंगिक जनन के अंदर दूसरा पॉइंट याद रखना आपको कि यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मक कौन कौन से होता है? एक तो नर युग्मक होता है, दूसरा मादा युग्मक होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता। वही चीज बात करें तीसरा पॉइंट की, अगर बात करें अलैंगिक जनन में तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया नहीं होती, और डेफिनेशन पता होनी चाहिए सभी को। निषेचन क्या होता है? गैमेट फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गैमेट फ्यूजन, युग्मकों का संलयन अर्थात दो भिन्न युग्मकों का आपस में जुड़ने की क्रिया को कहते हैं निषेचन। और यहाँ देखो युग्मकों का निर्माण ही नहीं होता तो फिर आपस में युग्मक जुड़ सकते हैं क्या? नहीं, अतः निषेचन की क्रिया भी नहीं होती, जबकि यहाँ पर दो युग्मक आपस में जुड़ जाता है अतः यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो लैंगिक जनन के अंदर तीसरा पॉइंट दे रखा है कि यहाँ निषेचन की क्रिया होगी जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट दे रखा है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, किसके अंदर? अलैंगिक जनन के अंदर, क्योंकि जो युग्मकों का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है, जब यहाँ युग्मक ही नहीं बन रहे तो मियोसिस भी नहीं होता, किसके अंदर? अलैंगिक जनन के अंदर। जबकि लैंगिक जनन के अंदर बात करें तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसके अंदर? लैंगिक जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट अगली बात करें पांचवा पॉइंट अलैंगिक जनन में, तो यहाँ देखता है विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, क्रॉस का सिंबल लगा रखा है, और विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है कि जहां अर्धसूत्री विभाजन होगा वहां विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, विभिन्नताएं भी नहीं होती, जबकि यहाँ देखो अर्धसूत्री विभाजन होता है अतः यहाँ विभिन्नताएं भी उत्पन्न होगी। ये लैंगिक जनन के अंदर पांचवा पॉइंट हो गया। फिर बात करें अलैंगिक जनन के अंदर छठा पॉइंट, तो यहाँ कौन सा डिवीजन होता है? तो दे रखा है समसूत्री विभाजन होता है, किसके अंदर? अलैंगिक जनन के अंदर। क्या लैंगिक जनन में होता है? वहाँ यहाँ भी समसूत्री विभाजन होता है।
दे रखा है यहाँ पर सामने देखो, बोथ डिवीजन अर्थात समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है किसके अंदर, लैंगिक जनन के अंदर समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, जबकि किसके अंदर बात करें अलैंगिक जनन में केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। तो दे रखा है यहाँ पर कि समसूत्री विभाजन होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एक सेंटेंस दे रखा है मैंने यहाँ पर क्लोन क्लोन, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्लोन, क्लोन क्या है, तो क्लोन क्या होती है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति, किसके द्वारा उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति जो आकारिकी व आनुवंशिक रूप से किसके समान हो, जनक के समान हो या माता पिता के समान होती है, उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी ध्यान रखना है आपको कि क्लोन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर, अगर ऑफस्प्रिंग है या आकारिकी में आनुवंशिक रूप से समान अगर संतति है तो उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और क्लोन किसके द्वारा बनती है, केवल अलैंगिक जनन के द्वारा बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है, अतः विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। तो ये तो मैंने दोनों रिप्रोडक्शन में अंतर बता दिया कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, तो दोनों डिफरेंस यहाँ पर दिखा रखे हैं अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में। ये अच्छे से याद होने के बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं या अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो उधर मैंने देखो अलैंगिक जनन के टाइप्स दे रखे हैं, अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है एनिसेक बीजता और दूसरा होता है कायिक जनन या कायिक विवर्तन। एनिसेक बीजता को इंग्लिश में बोलते हैं ए गैमोस्पर्मी, क्या बोला जाता है, ए गैमोस्पर्मी। इसका मीन्स देख लो, देखो वर्ड से ही पता लग रहा है, ए मतलब एब्सेंट, गैमो का मतलब गैमस और स्पर्मी मतलब सीड। हिंदी में क्या बोलता है, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित या के बिना, गैमस मतलब गैमेट अर्थात युग्मक और सीड का मतलब बीज अर्थात जनन की ऐसी विधि, या अपन ये भी बोल सकते हैं अर्थात अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण तो होता है लेकिन किसके बिना होता है, बिना युग्मक या बिना निषेचन के होता है, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होता, दिखा रखा है युग्मक के बिना, अर्थात युग्मक जहाँ नहीं बनेगा वहाँ निषेचन भी नहीं होगा और निषेचन नहीं होगा तो अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा, अर्थात इस मेथड के अंदर युग्मक का निर्माण भी नहीं होता, निषेचन भी नहीं होता और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, तीनों प्रोसेस नहीं होने के बावजूद भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बीज का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहता है, एनिसेक बीजता। एक बार वापस सुन लेना डेफिनेशन, या तो सिंपल यहाँ से बना लो, देखो आप युग्मक के बिना बीज का निर्माण, यहाँ से सेंटेंस बन जाएगा कि युग्मक के बिना अगर बीज का निर्माण हो रहा है तो उसे एनिसेक बीजता कहते हैं, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बिना युग्मक निर्माण के, बिना निषेचन के या बिना अर्धसूत्री विभाजन के अगर बीज का निर्माण हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एनिसेक बीजता कहते हैं। तो ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका बेटा एक नंबर का, तो ये भी ध्यान रखना आपको इम्पोर्टेंट भी है एनिसेक बीजता। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बात करें कि अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार कौन सा था, दूसरा टाइप देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, ये भी अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार ही है, या अपन ये भी बोल सकते हैं कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कायिक जनन, बीज के अतिरिक्त अगर किसका फॉर्मेशन हो, नए प्लांट का निर्माण, देखो प्लांट तो यहाँ भी बनेगा, बीज बीज से प्लांट बन जाएगा, यहाँ भी ऐसे होता है, लेकिन देखो बीज का के अतिरिक्त कौन से भागों के द्वारा नया प्लांट बनता है, तो लिख रखा है मैंने रूट स्टेम लीफ एंड बड, जड़ तना पत्ती व कलिका के द्वारा अगर नया प्लांट बनता है तो उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। डेफिनेशन सुन लेना वापस कि जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बीज को छोड़कर पादप के किसी भी कायिक भाग जैसे जड़ तना पत्ती व कलिका के द्वारा अगर नया प्लांट का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और जिस पादप भाग का उपयोग किया जाता है, जैसे अपने जड़ का उपयोग कर लिया या तना का उपयोग कर लिया, पत्ती का या कलिका, जिस प्लांट भाग का उपयोग किया जाता है उसे प्रोपेगोल या प्रवर्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। तो कई बार ये भी पूछ लिया गया कि व्हाट इज प्रोपेगोल, प्रोपेगोल क्या है, तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन में जिस पादप भाग का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं,
प्रवर्ध कहते हैं। तो ये दोनों की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, एन एस एक बीजता और कायिक जनन। फिर बात करते हैं कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की कितनी विधियाँ होती है। तो कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन की भी विधियाँ मैंने सामने दे रखी है, देख लेना कौन कौन सी होती है कायिक प्रवर्धन की विधियों में। सबसे पहले विधि जो है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरी होती है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इससे भी बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल बेसिस आते हैं। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात करें तो देखो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें किस किस संरचनाओं के द्वारा या कौन कौन सी संरचनाओं के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, तो वो सामने लिख रखी है मैंने। यहाँ पर दे रखा देखो बाई स्टेम, बाई रूट, बाई लीफ एंड बाई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है इनका, बाई स्टेम मतलब तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट है बाई रूट, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अगला है बाई लीफ, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। और अगला लास्ट संरचना दे रखी है बाई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जनन संरचनाओं के द्वारा कायिक प्रवर्धन। कौन कौन से एग्जाम्पल है वो देख लेना सामने एक बार। बाई स्टेम तने के द्वारा, तो तने के दो टाइप होते हैं, एक होता भूमिगत तना और एक होता अर्धवायवीय तना। तो भूमिगत के ये चार एग्जाम्पल दे रखे हैं, ग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल कि ऐसे प्लांट जिनमें तना सोइल के अंदर पाया जाता है उनको बोला जाता है ग्राउंड स्टेम। और उसके देखो चार प्रकार दे रखे हैं, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कोर। राइजोम को प्रकंद बोला जाता है जो कि हल्दी, अदरक और केले के अंदर पाया जाता है। ट्यूबर जिसको कंद बोला जाता है। और इस प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है ये तने के प्रकार या भूमिगत तने के प्रकार। तो ट्यूबर है कंद, वो आलू है आर्टिचोक के अंदर पाया जाता है। तीसरा टाइप दे रखा है बल्ब शलकंद जो कि प्याज या लहसुन के अंदर पाया जाता है। और चौथा टाइप है कोर जो कि अरबी में जमीकंद के अंदर पाया जाता है। तो चारों एग्जाम्पल ध्यान रखना, राइजोम हल्दी अदरक केले में, या आलू का आर्टिचोक में, प्याज लहसुन में, और लास्ट में अरबी जमीकंद। फिर अगला चार टाइप और दे रखे हैं, यह है अर्धवायवीय तने के रूपांतरण, सब एरियल स्टेम के टाइप है ये। तो सबसे पहला टाइप दे रखा है इसमें रनर्स, जिसको ऊपरी भूस्थाली के नाम से जाना जाता है। ये पाया जाता है किसके अंदर, घास के अंदर और सेंटेला प्लांट के अंदर। नेक्स्ट बात करें शक्कर अंतर्भूस्तारू, ये पौधे के अंदर पाया जाता है। अगला है ऑक्साइड भूस्तारिका जो कि जलकुंभी के अंदर पाया जाता है। और स्टोलन पाया जाता है स्ट्रॉबेरी के अंदर पाया जाता है। तो ये और एलेगेजन में क्या अंतर है वो पॉइंट दे रखे हैं, एलेगेजन के टाइप भी दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों। एन एस एक बीजता की परिभाषा बताती, कायिक जनन हो गया। और कायिक जनन की दो विधि होगी कौन कौन सी, एक तो होगी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक हो जाएगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसके बारे में कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, उसकी कौन कौन सी विधियां होती है। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं।